हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइसाई। देखिए, लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको कहा था कि जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो कन्वेक्स मिरर के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं ये प्रॉब्लम कौन सी है। इस प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है। ये हमारे पास आ गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, MN हमारे पास अपर्चर है। ओके, ये P पोल आ गया। इसके ऊपर कुछ इस तरह से रेज पड़ रही हैं। ओके, इस तरीके से ओब्लिक तरीके से रेज पड़ रही हैं। अब ये रेज क्या करेंगी, यहाँ से टकरा के वापस आ जाएंगी। ओके, यहाँ पड़ने के बाद ये टकरा के वापस आ जाएंगी। जब ये रेज यहाँ पे पड़ रही थी तो ये किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये इस पॉइंट से निकल रही हैं ये रेज, और जब टकराने के बाद ये रेज किसी और अगले पॉइंट पर जाकर ऐसा लग रहा था कि मिल रही हैं हमारे पास। मैं इसको और बड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, तो अगर ध्यान से देखा जाए और ऐसा लेट करते हैं कि ये जो डिस्टेंस यहाँ पे जो मिल रही है, ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, जहाँ से हमें लग रहा है कि ये यहाँ से निकल रही है रेज, और ये टकराने के बाद जो वापस आ रही हैं हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो लेट करते हैं कि कहाँ पे मिल रही हैं, अपीयर्स टू मीट एट सम डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। ओके, इस पॉइंट को मैं, अब ये पॉइंट बेसिकली क्या है, यहाँ इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो हमें ऐसे लग रहा है कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, और टकराने के बाद वो रे यहाँ आ रही हैं, यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये हमें ऐसे ओरिजिनेट होती हुई कहाँ से नज़र आ रही हैं, इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये इसकी इमेज। तो इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है, इस प्रॉब्लम बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ये सब कुछ समझने के बाद तो आपको बिल्कुल आराम से आ जाएगी ये प्रॉब्लम। इसमें हमें फोकल लेंथ निकालनी है इस मिरर की। अब देखिए, आमतौर पे हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट। तो ओके भाई, ठीक है, अब अगर लाइट रेज जो हैं वो यहाँ से आ रही हैं तो ऑब्जेक्ट कहीं लेफ्ट वाली तरफ ही होगा ना, लेकिन उसकी वजह से जो पहली इमेज बनेगी यानी हमें नज़र आएगी उसको हम ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे, और उसके बाद दूसरी इमेज बनेगी उसको, वो हमारी इमेज बनेगी। ओके, तो हमें निकालनी फोकल लेंथ। अब इसमें अगर देखें तो यू क्या है हमारे पास, प्लस 15, याद रखना प्लस 15 इस तरफ जो है राइट साइड में, इसलिए प्लस 15। और वी कितना है, वी अगर हम देखें तो कितना है, प्लस में 60 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें हम मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v + 1/u = 1/f। ओके, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये बन जाएगा 1/f = 1/15 + 1/60। तो 1/f, तो ये बन गया 60 एंड देन 4 + 1, और ये बन जाएगा 5/60, देन f = 60/5 एंड विल बिकम 12 सेंटीमीटर। देखिए, ये प्रॉब्लम मैंने ये वाली इसलिए करवाई, देखिए सिंपल प्रॉब्लम तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, साइन कन्वेंशन लगाने, आराम से प्रॉब्लम निकल जाती है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, क्योंकि बार ऐसी प्रॉब्लम CBSE में पूछी जाती है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इस प्रॉब्लम को करने के बाद आपको बाकी प्रॉब्लम जो हैं वो काफ़ी इजी लगेंगे। ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग अब रिफ्रैक्शन की तरफ को जाएंगे, फिर बाद में देखेंगे जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा रे ऑप्टिक्स का, फिर इकट्ठी कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इतनी प्रॉब्लम हम करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, या तो एक और काम कर सकते हैं हम, इसमें एक और चीज़ होती है, एक तो हम लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ चुके हैं,
एक लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन भी होती है, तो शायद हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, देन बाय.